सरल कलाल समाज द्वारा सहस्त्र बाहु अर्जुन कलाल कल्याण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को भिलवाड़ा डेयरी में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल राजस्थान सोआलका संघ ट्रस्ट के प्रवक्ता गौरव सोआलका ने बताया कि भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद के सैकड़ों समाज जन भिलवाड़ा डेयरी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। सोआलका जयसवाल टाक मेवाड़ा समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने सोआलका समाज के अध्यक्ष लोकेश सोआलका, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, टाक समाज अध्यक्ष शैलेंद्र टाक, मेवाड़ा समाज अध्यक्ष सुनील मेवाड़ा के नेतृत्व में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन सौंप कर भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन कलाल कल्याण बोर्ड गठन करने की मांग की है। तत्पश्चात राज्यमंत्री रामलाल जाट ने सभी समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सामाजिक उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों के कल्याण हेतु बोर्ड बनाकर कुरीतियां मिटाने व सामाजिक विकास का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी समाजजनों को आश्वस्त किया कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपकी मांगों से अवगत कराकर अतिशीघ्र सहस्त्र बाहु अर्जुन कलाल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय मांडल ब्लॉक अध्यक्ष विकास सोआलका, तेजराज मेवाड़ा, मुरलिया सरपंच गोपाल सोआलका, रिछड़ा सरपंच बेरूलाल सोआलका, कोदू कोटा पूर्व सरपंच हिम्मत सोआलका, अमरगढ़ सरपंच जगदीश सोआलका, पूर्व उप सरपंच नारायण सोआलका, इरास नादसा पूर्व सरपंच सुरेश सोआलका सहित सैकड़ों कलाल समाज जन उपस्थित थे। तो ऐसा है कि कोई भी समाज में अगर सुधार होता है तो देश मजबूत होता है। तो अच्छा इन्होंने देरी से मांगा और मुख्यमंत्री जी ने जब एक बात कही कि मैं देते देते थक जाऊंगा, मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो उसी परिपाटी को समझते हुए इनकी यूनियन के अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक आगामी लाल जी, ये एक सक्षम समाज जिसमें कई कुरीतियाँ पहले अपना व्यापार आबकारी के माध्यम से ही करते थे, सरकार को रेवेन्यू भी देते, लेकिन धीरे धीरे ऑक्शन पॉलिसी के बाद इनका मुख्य बिजनेस भी छिन गया, जबकि गांव में परंपरा बनी हुई थी। तो आज इसमें और सुधार करने का मौका अगर बोर्ड गठन होता तो उससे मिलेगा, इस मांग की इन्होंने, मेरी मांग मैंने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई, मैं नोटशीट बना के भी भेज रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इनकी मांग के साथ मैं तो सरकार का पार्ट हूँ, तो सिफारिश मुख्यमंत्री जी को करूंगा ताकि इनका भी एक बोर्ड गठन हो जिसमें इनके समाज में अच्छाइयां अन्य समाज में जाए, कुरीतियों को मिटाकर देश को मजबूत करें, उसमें बड़ा सहयोग रहेगा। समाज का विश्वास है कि ये जल्द गठन हो सकता है? ये अनाउंस तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिस तरह मांग बताया ना मैंने कि लोग मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, इस चरित्र इस कहावत को चरितार्थ की है। केवल ऐसा ही नहीं, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने लोगों को और हमारे MLAs को ये मांग की। MLA को कहने का मतलब ही जनता की मांग है। आप देखो महंगाई रात के कैंप लगे, उसमें लोगों की बिजली फ्री हो, इलाज जैसी योजना 25 लाख तक फ्री देने का काम किया, जिसमें तमाम समाज हैं जो जुड़े हुए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। आज 10 लाख की पॉलिसी अगर 12 महीने की हेल्थ लेते हैं तो 20,000 रुपये सालाना प्रीमियम देनी पड़ती है। आम लोगों को 25 लाख तक का इलाज केवल 80% लोगों को मुफ्त में और 10-15% भी 850 रुपये में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना दी है। ऐसी कई योजनाएं हैं, आज मुख्य मांग इनकी बोर्ड गठन की है, तो अन्य समाजों को सबको मिल रहा है तो इनको भी मिले, और उससे और जो प्रतिभाएं छुपी हुई है समाज में वो निकल कर आगे आएगी, अच्छी चीज़ें आगे आएगी, जो कुरीतियाँ उसको मिटाने का काम होगा। सरकार के अच्छे बजट में इनके बोर्ड गठन से एक सहयोग मिलेगा जिससे राजस्थान जो 2030 का मुख्यमंत्री का सपना है वो पूरा होगा। समाज भी बहुत बड़ा समाज है, कलाल समाज, लेकिन जो है अलग अलग जाति वोट लगाने की वजह से हमारा समाज लुप्त है, लेकिन समाज बहुत बड़ा है। और आज हमने जो है हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब के नाम पे ज्ञापन दिया, अशोक जी गहलोत साहब का मुख्यमंत्री, ताकि वो सबको कहीं कहीं बोर्ड बना रहे हैं। हमारे छोटे समाज के लोगों को भी उन्होंने बोर्ड में गठन किया है,
तो हमारा तो बहुत बड़ा समाज है और हमारा समाज पिछड़ा समाज है। पिछड़े समाज होने के नाते अगर बोर्ड बनेगा तो लोग शिक्षित होंगे, लोगों को जो फायदा सरकार का मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो हम तो गहलोत साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आपने सबको दिया है तो कलाल समाज को भी जो है उनका सशस्त्र बहु अर्जुन हमारे जो भगवान देव है उनके नाम से कलाल समाज का बोर्ड का गठन होवे। और मैं रामलाल जी से जो है निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने सब बोर्डों में बनाने में सहयोग किया है तो हमारा कलाल समाज भी आप बनाए और गहलोत साहब को जो है आप निवेदन करें ताकि जो है हमारा बोर्ड गठन हो सके। जितने भी कलाल समाज के जाति बिरादरी के लोग हैं, हम उपजातियों बटे हुए, जैसे सुवालका, जयसवाल, मेवाड़ा, टाक, अहलूवालिया, पूर्बिया और जितने भी समाज जो हमारे कलाल जाति के आते हैं, उन्होंने एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक सहस्त्रबाहु कलाल कल्याण बोर्ड का गठन के लिए मांग की है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय के यहाँ निवास डेयरी पर आकर उन्होंने हमारी मांग को पुरजोर मुख्यमंत्री को रखने का आश्वासन दिया है। और हमारा एक समाज पिछड़े वर्ग में आता है, हम जो व्यवसाय करते हैं शराब का आबकारी, जो पूरे राजस्थान में जो अपने राजस्व है उसके अंदर बहुत एक बड़ा अहम योगदान है उसका। हम समाज के लोग जहाँ जहाँ इत्र तित्र सब जगह पूरे राजस्थान में फैले हुए, हर जिले में हमारा प्रतिनिधित्व रहता है। हम राजनीतिक क्षेत्र में भी लगभग हर छोटे से बड़े स्थानों पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री महोदय को कहकर हमने हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन कलाल कलार कल्याण बोर्ड का गठन के लिए पुरजोर मांग की है। हमने माननीय CPG जोशी साहब को भी एक पत्र दिया है, माननीय राजस्व मंत्री महोदय को दिया है। कल हमारे कोटा वहाँ हमारे कलाल समाज द्वारा माननीय शांतिलाल जी धारीवाल को दिया है। आज हमारा उदयपुर के अंदर जितने भी कलाल जाति के लोग हैं वो माननीय आपके साथ थे, पूर्व विधायक साहब भी पधारे हैं हगामी जी। हाँ, हगामी लाल जी हमारे इस नेतृत्व के खास सिरमौर हैं, उन्हीं की बदौलत हम आज इस स्थान पर पहुंचे हैं और उन्हीं की वजह से। और माननीय विकास जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनका भरपूर सहयोग रहा। और जितने भी राधेश्याम जी टांक हैं और सुरेश जी अपने जितने भी कलाल समाज के हमारे राजनीतिक लोग हैं उनकी मेहनत से ही कलाल जाति एक्चुअल में इस चीज़ की नीड रखती है। हम हर चीज़ में रचनात्मक काम करने के लिए सरकार की जो भी योजना है उसको हम आगे से आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। इस बोर्ड का यदि गठन होता है, हम केवल नाम का गठन बोर्ड गठन करने के पक्ष में नहीं है, हम पूरे देश का सपना पूरा करने के मूड में है। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर, एडमिशन्स ओपन।